हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुद्रा के कार्यों के बारे में, फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, मुद्रा की जो हमने परिभाषाएं अब तक पढ़ी हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करें। अगर हम उनको गौर से देखें तो मुद्रा के जो कार्य हैं अधिकतर कार्य उन परिभाषाओं के द्वारा स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, स्थैतिक कार्य और दूसरा है प्राविधिक कार्य। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम केवल स्थैतिक कार्य जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे अगले लेक्चर में हम प्राविधिक कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं स्थैतिक कार्य कौन कौन से हैं मुद्रा के। स्थैतिक कार्यों में जो हैं उन कार्यों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक अथवा गौण कार्य। इन दो भागों में स्थैतिक कार्यों को बांटा गया है। मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य मुद्रा के कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले आता है विनिमय का माध्यम। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता है, आम जनता इसे बिना किसी रोक टोक के, संकोच के, बिना किसी हिचक के स्वीकार करती हैं, इसलिए मुद्रा जो हैं वो विनिमय के माध्यम का कार्य करती हैं। आम जनजीवन में या लेन देन में मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उनका लेन देन, उनके भुगतानों का निपटारा मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा में जो हैं सर्वग्राह्यता का गुण होने के कारण ये विनिमय के कार्य को सरल बनाती हैं। मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय में आने वाली दोहरे संयोग की जो समस्या थी उसका भी निदान हो जाता है। दोहरे संयोग की समस्या से क्या अभिप्राय है कि जैसे किसी एक व्यक्ति के पास चावल है और वह कपड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन जो कपड़ा बेचना चाहता है उसे चावल की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें ऐसे संयोग बनाने होते थे कि जो व्यक्ति जो वस्तु देना चाहता है दूसरा व्यक्ति वह लेना चाहता हो और पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु उसके पास हो, तभी वस्तु विनिमय द्वारा जो है लेन देन संभव होता था। तो इस प्रकार एक दोहरे संयोग की जो समस्या थी वो इस मुद्रा के माध्यम से समाप्त हो गई है। दूसरा जो कार्य है मूल्य का मापन, किसी भी प्रकार की वस्तु हो या सेवा हो उसके मूल्य का मापन मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय के लिए लेन देन कर्ताओं को वस्तु तथा सेवाओं का तुलनात्मक रूप से मूल्य मुद्रा के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। कोई भी वस्तु खरीदनी है या बेचनी है उन दोनों का लेन देन तभी संभव होगा जब उसका तुलनात्मक मूल्य में मापन कर दिया जाए। प्रोफेसर कोलबोर्न ने मुद्रा के इस कार्य को सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सर्वप्रधान माना है। जिस प्रकार भौतिक वस्तु के मापदंडों के रूप में जैसे दूरी के लिए किलोमीटर, तरल पदार्थों के लिए लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस प्रकार की अनेक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मुद्रा एक सामान्य मूल्य मापक हैं और इसके कारण जो है हमारा अकाउंटिंग का कार्य जो है, लेखा कार्य है, वो भी सरल हो जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरा जो कार्य है मूल्य का मापन करना। अब आ जाते हैं हम सहायक अथवा गौण कार्यों की तरफ। मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य कौन कौन से हैं, इसमें पहला है निलंबित भुगतानों का मान। आज की जो अर्थव्यवस्था है संपूर्ण विश्व में, चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे वो विकसित हो, अर्धविकसित हो, चाहे विकासशील हो, उन समस्त देशों की अर्थव्यवस्था आज साख पर टिकी हुई है। अनेकों लेन देन आज उधार में किए जाते हैं और उनका भुगतान भविष्य में किया जाता है। तो जो विलंबित भुगतान हैं उन विलंबित भुगतानों का मान ज्ञात करने का कार्य जो है वो मुद्रा से किया जाता है। उधार लेन देन में भुगतान का निर्धारण मुद्रा से निश्चित किया जाता है, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता है, टिकाऊपन का गुण होता है, इस कारण दूसरी वस्तु की अपेक्षा मूल्य में तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है। इस तरह मुद्रा भावी भुगतानों का आधार अथवा स्थगित भुगतानों के मान का कार्य तभी उचित तरह
से कर सकती है, जबकि उसके मूल्य में सामान्यतः स्थायित्व रहे। और जैसा कि हम देखते हैं मुद्रा के मूल्य में लगभग स्थायित्व बना रहता है, इसलिए मुद्रा से बेहतर विलंबित भुगतानों के मान का कार्य कोई भी अन्य वस्तु नहीं कर सकती है। अगला जो है क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा जो है क्रय शक्ति का संचय करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें सर्वग्राहिता का गुण है, टिकाऊपन का गुण है, मूल्य में स्थिरता पाई जाती है तथा संग्रह की सुविधा, कितनी भी मुद्रा हो उसे संग्रह करना आसान है। अपन चाहे तो उसे बैंक में जमा करवा सकते हैं और अन्य माध्यमों से भी उसे संग्रहित कर सकते हैं, तो इसका संग्रहण अत्यंत आसान है। अन्य वस्तु की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक होता है। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार भी है, अतः मनुष्य की स्वाभाविक दूरदर्शी प्रवृत्ति ने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विपदाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान आय में से कुछ आय भविष्य के लिए बचाकर रखने के लिए प्रेरित किया है। मुद्रा के इस कार्य का कारण ही आज बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय संभव हो पा रहा है। और अगला जो कार्य है मूल्य हस्तांतरण का साधन। मुद्रा ने विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है तथा उत्पत्ति के साधनों को गतिशीलता प्रदान करी है। मुद्रा ने मूल्य हस्तांतरण को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। किस प्रकार मुद्रा ने मूल्य हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाया? माना कि कोई व्यक्ति है, वह गांव से शहर में जाना चाहता है, तो वह अपनी गांव में समस्त संपत्ति जो है उसको बेचकर मुद्रा के रूप में उसका मूल्य प्राप्त कर लेता है और उसके पश्चात उसी मूल्य से वह शहर में जाकर संपत्ति खरीद सकता है, जो उसे आवश्यक है वो संपत्ति क्रय कर सकता है। ये कार्य मुद्रा के कारण ही संभव होता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा क्रय शक्ति संग्रह का साधन होने के कारण साथ साथ मूल्य हस्तांतरण का साधन भी है। मूल्य को हस्तांतरित करने में भी सुविधा रहती है। तो इस प्रकार ये थे मुद्रा के स्थितिक कार्य, जिनको हमने दो भागों में मुख्य अथवा दूसरा जो था वो गौण कार्य बांटकर हमने अध्ययन किया।